राधे राधे दोस्तों, मैं कृतिका स्वागत करती हूँ आप सबका किचन वर्ल्ड बाय कृतिका में। सर्दियों में गर्मा गर्म सूप किसे पसंद नहीं है, और अगर वो यम्मी टेस्टी क्रीमी हो तो और भी मजे आ जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ परफेक्ट क्रीमी स्वीट कॉर्न सूप की परफेक्ट रेसिपी, जिसे देखने के बाद आप भी स्वीट कॉर्न सूप बनाने में परफेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट जैसा सूप आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की ये रेसिपी दो लोगों को सर्व करती है, तो चलते हैं अपने किचन में। यहाँ मेरे पास है फ्रोजन स्वीट कॉर्न, जिनको मैंने बॉइल पहले ही कर लिया था। स्वीट कॉर्न आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं, पर हम यहाँ इतनी सारी स्वीट कॉर्न का सूप नहीं बनाने वाले हैं। दो लोगों के लिए एक छोटी कटोरी कॉर्न इनफ है। मैं यहाँ पर लगभग एक छोटी कटोरी कॉर्न एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब इन स्वीट कॉर्न को हमें अच्छे से ग्राइंड करना है, इसके लिए मैंने ले लिया है एक जार। एक छोटी कटोरी कॉर्न में एक छोटी कटोरी ही हम पानी मिलाएंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। कॉर्न को हमने अच्छे से पीस लिया है, साथ ही हमने ले ली हैं यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, मटर और ये कटा हुआ हरा धनिया है। आपके पास जो वेजिटेबल अवेलेबल हो आप उसी से अपना कॉर्न सूप रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है लगभग डेढ़ कटोरी पानी। अब इसमें हम सारी सब्जियाँ डाल देते हैं, और अब मिलाएंगे इसमें स्वादानुसार नमक और स्वीट कॉर्न का पेस्ट जो हमने तैयार किया था। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमें इसे कवर करना है। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, एक बॉईल आने तक हमें इसको कवर करके रखना है। ये देखिए बॉईल आने लगा है हमारे सूप में। अब ये झाग जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम निकाल लेते हैं। ये झाग केवल एक बार ही बनेंगे, बार बार नहीं बनेंगे, इसलिए आपको एक बार तो इन्हें निकालना ही होगा। उसके बाद सूप को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूप अभी हमारा पतला है, अब इसे रेस्टोरेंट और होटल जैसा बनाने के लिए इसमें मिलाएंगे हम कॉर्न स्टार्च। मैंने यहाँ आधी चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे और इसे डाल देते हैं अब अपने सूप में। साथ में डाल देते हैं हम थोड़ी सी उबली हुई स्वीट कॉर्न, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और थोड़ा सा धनिया डालेंगे। अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए हमारा सूप गाढ़ा होने लगा है, होटल जैसी थिकनेस तो हो गई। अब हम इसको क्रीमी बनाने के लिए डालेंगे एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है बटर। होटल रेस्टोरेंट में सूप को क्रीमी करने के लिए क्रीम या मक्खन दोनों का यूज किया जाता है। मैंने यहाँ मक्खन मिलाया है। साथ में डाल देते हैं ब्लैक पेपर पाउडर, और ये देखिए हमारा होटल जैसा थिक क्रीमी स्वीट कॉर्न सूप बनकर रेडी है। होटल रेस्टोरेंट में कुछ भी अलग स्पेशल स्पाइसेस नहीं मिलाए जाते, बस उनके बनाने का तरीका अलग होता है, और वही तरीका आज मैंने आपको बताया है। तो अब ये कहना बंद कर दीजिए कि होटल जैसा सूप घर में नहीं बन सकता। इस रेसिपी से आप बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट जैसा सूप अपने घर में बना सकते हैं। अब हमें इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने, और डाल दिया है थोड़ा सा मक्खन, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और ऊपर से डालेंगे स्वीट कॉर्न उबली हुई, और ये हमारा क्रीमी यमी बटरी स्वीट कॉर्न सूप बनकर रेडी है। एक बात और, होटल या रेस्टोरेंट में कॉर्न सूप में आर्टिफिशियल येल्लो कलर मिलाया जाता है, पर हमने यहाँ पर इसे नेचुरल ही रखा है, हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाया है। अगर आप येलो कलर मिलाना चाहते हैं तो थोड़ी सी आप हल्दी मिला सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे सूप का है। यकीन नहीं आता तो आप एक बार जरूर बना के देखिएगा। तो आज ही बनाइए, और अपनी फैमिली के साथ इन सर्दियों में गर्मा गर्म सूप के मजे लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक खाइए खिलाइए खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।